आज हम सीखेंगे कीमा, वो भी हरे मसाले वाला। आज कीमे के लिए हमने 4 अदद प्याज लिए थे जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। 2-3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसको मीडियम ब्राउन करेंगे। याद रखिए, डार्क ब्राउन मत कीजिएगा वरना आपका कीमा काला पड़ जाएगा। मीडियम ब्राउन तक हम इसको अब चलें चूल्हे पर जो है स्टोव ऑन करते हैं। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने मटर ली है, तो मटर आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। हम 2-3 अदद आलू लेंगे, इसको हम इस तरह काट लेंगे। और लेकिन आलू कीमा जो बनाने देते हैं ना, तो फौरन से कीमा गल जाता है, तो आलू हम अलग से बॉईल करेंगे। कीमे के लिए हमने अपने जो प्याज है वो ब्राउन कर लिया है, इस तरह लाइट ब्राउन जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक, हसबे जायका, और ये देखिए हमारा मुर्गा फिर से उठ गया है, रोज़ा नहीं रखता शायद, इतना चिल्लाता है। अब हम डाल रहे हैं हल्दी 1 टीस्पून, और अब इसमें ऐड करेंगे हमारा साफ सुथरा चिकन कीमा। चिकन कीमे को इसमें अच्छी तरह से हम पहले भून लेंगे और उसी में ही वो पक जाएगा, हमें ज़्यादा उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए हम जो है पकने के लिए रखेंगे। ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और अब इसको ढक के पकने दें। हरे मसाले के कीमे में, चिकन का हरे मसाले का कीमे में हम जो है मेथी लेंगे 4, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और अब हम धनिया काटने वाले हैं, इसमें 2 धनिया और 4 मेथी डालते हैं। अब इस कीमे में हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए मटर। मैं पहले भी कहा था, अप टू यू, अगर डालना हो डालें, ना तो ना डालें, मैं डाल रही हूँ। कलर देखते हैं ना मसाले से, बस इसको थोड़ी देर के लिए बोलना है और फिर इसमें हम अपने आलू ऐड करेंगे। हमें धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि मसाला पक जाए। अब इस पॉइंट पे जब कीमा अच्छे से बुन चुका है और उसका ऑयल भी बाहर आ गया है, हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल। देखिए मेरी रेसिपीज़ जो होती है ना, मेरी हद्दल इम्कान कोशिश होती है कि वो इतनी सिंपल हो, जो आम घर में हमारा जो खाना पकता है, कॉमन जो लोग होते हैं वो भी बहुत इजी बना सकें। तो इतनी स्पेशलिटी नहीं होती कि जिसके लिए हमें सोचना पड़े कि अब कैसे बनेगा, क्या लेना पड़ेगा। मैं वो खाना बनाती हूँ जो हर कोई यूज़ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरे मसाले का कीमा रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारा कीमा जिसको हमने डिश आउट कर दिया है, और बस ये रेडी टू ईट है। आप भी बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पूरी देख के बताइए कि कैसा लगा आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।